ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिन्हा और पत्रकार अजय कुमार कौल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अभी पार्लियामेंट में पास किया, 1,00,000 करोड़ का बजट, पहली बार इतना बड़ा बजट जम्मू कश्मीर के लिए है और ये मेजर एक डेवलपमेंट है। 370 जब से खत्म किया गया अगस्त लास्ट ईयर में, तो वो सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक्सप्लेन किए कि किस किस सेक्टर में हम फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे उसमें बैक टू विलेज का प्रोग्राम्स है, जो प्रोजेक्ट्स लैंग्विश थे बहुत सारे सालों से पड़े हुए थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, या हॉर्टिकल्चर या हैंडीक्राफ्ट के बारे में, जो हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का यूनिक है वर्ल्ड वाइड हॉर्टिकल्चर, जैसे एप्पल है या बाकी सैफरन है, जिसको बढ़ावा देने के लिए एक एम्फेसिस डाला गया है इस बजट में। विवेक जी, जो 1,00,000 करोड़ का बजट रखा गया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए अजय जी, ये इतना बड़ा बजट दिया गया है और इसके पहले जो होता था, जो बजट जाता था वहां पे, इतना बड़ा बजट नहीं होता था। पैकेजेस मिलते थे जम्मू कश्मीर के नाम पे और उनको जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज वो अपने हिसाब से खर्च करती थी, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए की वजह से उसका ऑडिट नहीं होता था। किस मद में खर्च हो रहा है, किस जगह पे खर्च हो रहा है, वो वही लोग डिसाइड करते थे और वो किसी न किसी तरीके से अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देती थी। जैसे आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें। जी बिल्कुल। और आपने जैसे एक चर्चा की गांव की ओर, तो इसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें कि मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी गांवों को। इसी तरह से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में 1872 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो कि एक बहुत मायने रखता है उस स्टेट में जहां एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत सुविधाओं की जो फैसिलिटी है जिसपे काफी काम होना था। ये सारी चीजें, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीजें हैं जिनपे पिछले 70 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ था, वो 1,00,000 करोड़ इन्हीं मदों में रखा गया और हर एक एक सेक्शंस को डिवाइड किया गया कि ये पैसे यहां पे खर्च किए जाएंगे। और टूरिज्म में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जब भी हम बात लेते हैं तो हमेशा श्रीनगर, गुलमर्ग और 2-3 का ही जिक्र होता है टूरिज्म के नाते से, लेकिन उसके अलावा बड़े सारे टूरिज्म के हॉटस्पॉट्स हैं जम्मू में भी और कश्मीर वैली में भी, लेकिन उन जगहों पे जाने के लिए ना रोड्स का सुविधा था, ना होटल्स अच्छे थे, ना खान पान की सुविधा थी, तो वो हॉटस्पॉट्स डेवलप नहीं हो पा रहे थे। अभी क्या किया, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी ये प्रावधान दिया गया, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है इस वाले बजट में जो आया है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि 3 रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट बनाने के है, जो सूफी टूरिज्म या शंकराचार्य टेम्पल है या अमरनाथ यात्रा के भी, जैसे निर्मला सीतारमन ने बोला भी कि जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं वो और भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं। कश्मीर घाटी में हम सभी को मालूम है कि मारतंड टेम्पल जो है, जो भगवान सूर्य का जो मंदिर है, वो खंडहर में लगभग तब्दील हो गया है, वहां कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही खराब सा है, वहां आसपास रहने लोगों को जानकारी भी नहीं, जानकारी नहीं है। उसी तरह से बड़े सारे जो टेम्पल्स हैं हमारे, अप्रोच जो है वो बड़ा नगण्य है बिल्कुल ही। इनके लिए जो होटल्स वगैरह जो बनाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस पर काम हो। सिर्फ मंदिरों का नहीं है, जो सूफी रिलेटेड है उसके भी एक सर्किट का एक प्रोविजन है। तो इससे क्या लगता है, इतना बड़ा बजट आप प्रोविजन रखा है सरकार ने, और जबकि 370 के बाद बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का, लेकिन सरकार ने हमेशा बोला कि हमारा इंटेंट तो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कराना है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक दूसरा इंटेंट दिखा रही है सरकार की, नेक्स्ट स्टेप है 370 हटाने के बाद, अब ये बजटरी प्रोविजन है कि अब हम इंटेंट दिखा रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट हमको करना है जेएनके के लिए? जब 370 और 35 ए हटा था पिछले साल 5 अगस्त को, तो उसके बाद हमेशा जो खबरें आ रही थी, हमेशा जो डिस्कोर्स घुमाने की बात हो रही थी, तो वो बात हो रही थी कि हाँ वहां पे लॉकडाउन हो गया है, कश्मीर एक ओपन जेल हो गया है, और अभी भी कई नेताओं का अभी बयान आप देखेंगे तो वैसे ही बात आ रही थी। कश्मीर के मामले में जो सही तथ्य है वो लोगों तक ना पहुंचे, वो एक हमेशा प्रयास रहा पिछले 70 वर्षों में, और सरकार ने हमेशा कहा कि नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। 370 और 35 ए जम्मू कश्मीर की विकास में सबसे बड़े रोड़े थे, जो बाधक थे, तो उनको हटा करके हम विकास करना चाहते हैं, और ये जो बजट लाया गया है, जो 1,00,000 करोड़ का जो बजट है, ये अपने आप में यही बात दिखा रहा है कि हाँ हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो कि पिछले बार का जो बजट है उससे ज्यादा है, और ये सिर्फ और जम्मू और कश्मीर के लिए रखा गया, लद्दाख के लिए एक सेपरेट बजट दिया गया है। तो जो बजटरी प्रोविजन है, जो पैसा दिया जा रहा है वहां विकास कार्यों में खर्च करने के लिए, वो बढ़ा करके दिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट पे तय जो एक राशि दिया गया है, वो पहले से डिसाइड किया गया है, बताया गया है कि इस मद में इन चीजों के विकास के लिए आप खर्च करेंगे, उसका प्रॉपर ऑडिट होगा, पहले वो नहीं होता था, तो ये एक सराहनीय कदम है। दूसरा चीज है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे 370 की वजह से कई लॉज या रेगुलेशन या स्कीम को अनाउंस करती थी,
तो उसको स्टेट असेंबली को अप्रूव करना होता था, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होते थे जो उनकी मनमानी होती थी। इसकी वजह से अब 370 है नहीं, तो अब ये डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो खुद ही देखेगी। आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन का स्कोप ज्यादा रहेगा? अगर आप 35A का पूरा डिटेल में अगर आप स्टडी करें तो जितने भी वेलफेयर प्रोविजंस थे हमारे भारतीय संविधान के जो लोगों को राहत देने के लिए थे, उन सभी प्रोविजंस का आर्टिकल 35A में सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट फॉर J&K करके वो जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं हो पाते थे और हम लोग यहाँ से कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वो 370 और 35A की आड़ में मनमाने रवैये से चल रहा था, जो अब हट गया है। तो डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो वहां पे सुविधाएं जो दी जा रही हैं, महिलाओं के लिए जो सुविधा दी जा रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो लागू होगा, उसके अलावा जो बेसिक वेलफेयर प्रोविजन है भारतीय संविधान का वो सब लागू होगा। और सबसे अहम बात की जो पैसा जो जा रहा है इसका प्रॉपर एक लेखा जोखा रखा जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि दे करके और इसको भूल जाया जाएगा कि हाँ हमने दे दिया और अब आप अपने हिसाब से खर्च करिए और आप अपने अलगाववादी ताकतों को बढ़ाने के लिए खर्च करिए। ये दिया जा रहा है कि आप विकास करिए और उसका प्रॉपर ऑडिट किया जाएगा यहाँ पे। ये एक सबसे सराहनीय कदम है जो बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जैसे आपने बैकवर्ड्स की बात की या शेड्यूल कास्ट वगैरह की, तो सरकार ने ऑलरेडी एक प्रोग्राम गांव की ओर प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं जिसमें बहुत सारा काम हुआ भी है। बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो गांव में कभी होते नहीं थे क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती नहीं थी, अब नए प्रोविजंस रखे गए हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए बात की है निर्मला सीतारमन ने, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कश्मीर के आप गांव में जाएं, घाटी के और इवन जम्मू के भी आप गांव में जाएंगे, वहां पे खेती होती है और वहां पे लगभग 40,000 करोड़ का एग्रीकल्चर का मार्केट है, फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर का मार्केट है। और कश्मीर घाटी जो है एक रोल मॉडल बन सकता है पूरे देश भर के किसानों के लिए कि आप साल में एक लंबे समय तक वहां बर्फबारी होती है उसके बावजूद आप कितना बढ़िया फसल ले सकते हैं और कितना आप पैसे कमा सकते हैं। इसको जो बैक टू विलेज वाला जो स्कीम है, जो गांव की ओर जाने का जो पहल जो की है सरकार ने, वो एक सराहनीय कदम है कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं वो अगर बढ़ा दिया जाए तो ये और बढ़ जाएगा और लोगों के लिए रोजगार भी बनेगा वहां पे। हॉर्टिकल्चर की जैसे बात की आपने भी, हमने पहले भी बोला कि जैसे सेब है या हैंडीक्राफ्ट्स है जो कश्मीर के पर्टिकुलरली बहुत यूनिक है, वर्ल्ड में है, बट उसको इतना बढ़ावा नहीं मिला जितना उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो एक कन्फाइंड रहा है, एप्पल मान लो वर्ल्ड वाइड में जा सकता था बट नहीं हो पाया, तो अब इस सरकार ने तो इस पे प्रोविजन रखा है कि इसको भी बढ़ावा देंगे, अब इसको कैसे देखते हैं? वहां का जो इंडस्ट्री था इतने रोक के बावजूद वो अगर इतना फ्लरिश किया, इतना अच्छे से रहा, तो अगर आप ये सोचिए कि अगर जो वहां बेसिक चीजें हैं, आप रोड्स ठीक कर दीजिए, आप ट्रक्स की फैसिलिटीज बढ़ा दीजिए, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दे दीजिए, उनको मार्केट दे दीजिए, उनको कनेक्ट कर दीजिए देश के अन्य भागों से और अच्छी तरीके से और दुनिया से अगर आप कनेक्ट कर दें तो कितना जबरदस्त तरीके से इसमें उछाल आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर घाटी जो है ये एक रोल मॉडल बन सकता है हमारे अन्य किसानों के लिए। जम्मू के जो डिवीजन है उसमें हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है जैसे सांबा का है, तो उसको अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और निर्मला सीतारमन ने तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की है, क्योंकि एक ये ग्रीवांश रही है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होते हैं टू इम्प्लीमेंट जो ट्रांसलेट इनटू एक्शन वो नहीं होता था, तो अब ये मंशा दिखाई है सरकार ने, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, क्या हो रहा है वहां पे, वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर को रन करती थी, PDP हो गए या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, वो दिल्ली में कोई बात कहते थे, घाटी में कुछ और बात कहते थे, घाटी में अलगाववादी बात करते थे और इंटरनेशनल फोरम्स पे कुछ और कहते थे। जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या जरूरत है, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती थी, तो वो चीज पे एक बहुत ब्रेक लग गया है और आपने देखा कि नए पॉलिटिशियंस उभर के आ रहे हैं, लोगों के बीच से उभर के आ रहे हैं जो सचमुच में विकास चाहते हैं और ये विकास ही जो है यही जम्मू कश्मीर को और आगे ले। तो उम्मीदों भरा ये बजट है, हम आशा करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और विकास की रफ्तार तेज हो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिन्हा और पत्रकार अजय कुमार कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।